नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उन्नाव रेप केस में आज सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की पेशी होनी है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को सीतापुर से दिल्ली सीबीआई लेकर आई है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट में आज सीबीआई की तरफ से पेश किया जाएगा। तिहाड़ जेल कुलदीप को हो सकती है। और बताया जा रहा है कि आपको इससे पहले कि इस पेशी से पहले कुलदीप सिंह सेंगर के 17 ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। पूछताछ भी जो है वो कुलदीप सेंगर से हो चुकी है। और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल जो है वो कुलदीप का नया ठिकाना हो सकती है। उन्नाव रेप से जुड़े 4 मामलों की आज जो सुनवाई है वो होने जा रही है। जज धर्मेश शर्मा केस की सुनवाई करेंगे। रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट करने को लेकर भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं है। जो पीड़िता की हालत है वो जस की तस है और अभी भी वो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। तो पीड़िता, आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव रेप केस की सुनवाई आज दिल्ली की 30,000 कोर्ट में होने जा रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि सीबीआई सीतापुर से कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली लेकर आई है। तो आज ये तय होगा कि तिहाड़ जेल क्या यहाँ पर हो सकती है कुलदीप सेंगर को। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई की तरफ से लगातार कुलदीप सेंगर के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई और पूछताछ भी यहाँ पर की गई। और अब आज उनको 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। पीड़िता की जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं है। जस की तस जो है वो पीड़िता की हालत है और अभी भी वेंटिलेटर पर है पीड़िता। तो रे पीड़िता को एयरलिफ्ट करने को लेकर भी सुनवाई हो सकती है। और सबकी निगाहें इसी केस पर है कि आज 30,000 कोर्ट में इस पेशी के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। तो सीबीआई की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सीतापुर से दिल्ली सीबीआई की तरफ से कुलदीप सेंगर को लाया गया है। तो कुलदीप सेंगर को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। और ऐसा माना जा रहा है कि तिहाड़ जेल कहीं ना कहीं कुलदीप का नया ठिकाना हो सकती है। तो उन्नाव रेप से जुड़े 4 मामलों पर आज 30,000 कोर्ट में सुनवाई होगी। जज धर्मेश शर्मा केस की सुनवाई करेंगे। और अब इस सुनवाई में कहीं ना कहीं सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं और यही कयास लगाया जा रहा है कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हो सकता है। नया ठिकाना कुलदीप का तिहाड़ जेल हो सकता है। तो सीबीआई की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और पल पल की अपडेट हम आपको बाकी खबरों की जानकारी के लिए देते रहेंगे। आप देखते रहिए ऑनलाइन टीवी।